I will. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइज. आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी वेर एवर यू आर. इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो हाई गाइज, मैं हूँ प्रियंका. यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए हॉल्स, रिव्यूज, ब्यूटी टिप्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स के साथ साथ बहुत सारे वीडियोज लेके आती रहती हूँ. तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो. उसके बगल में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा सके. और इसी के साथ साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं. आज की वीडियो होने वाली है मेरी बर्थडे गिफ्ट की हॉल. ठीक है, मुझे इस साल बर्थडे में जो जो गिफ्ट मिला है उसी की हॉल होगी ये. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. तो पहले हम शुरू करेंगे लंच से. तो लंच में मैं बहुत कुछ खाती हूँ बर्थडे के दिन, तो जो भी बनता है वो मम्मी ही बनाती है. उसके बाद ये मैंगो मूस दिख रहा है, ये मैंने रात को 12 बजे अकेले ही खा लिया था. उसके बाद जो इवनिंग का केक कट हुआ, ये स्क्वायर वाला केक, जो मैंने ये पिंक साड़ी पहन के कट किया है, ये उसी की सेलिब्रेशन की वीडियो है. ये साड़ी आपको हॉल में आगे देखने को मिल जाएगी. इसके बाद जो ब्लूबेरी केक आप लोगों को दिख रहा है, ये मैंने बॉयफ्रेंड के साथ जाके कट किया. तो सेलिब्रेट करने के बाद हम गए थे डिनर करने. डिनर करने के बाद हम लोग वापस घर आए. ठीक है, उसके बाद लास्ट जो केक दिख रहा है वो मैंने अपने काकी के घर में सेलिब्रेट किया था बहुत दिनों के बाद बर्थडे के. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हॉल को शुरू करेंगे क्लोथिंग आइटम से. तो क्या क्या मुझे क्लोथिंग में क्या क्या गिफ्ट मिला है उसी से शुरुआत करेंगे. तो पहले है मेरे पास दिस, ये है एक जामदानी साड़ी. ये सॉफ्ट जामदानी है तो इसीलिए इतना पतला लग रहा है. ठीक है, देख सकते हो आप लोग. तो ये मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया था और इसको मैंने बर्थडे के दिन इवनिंग में पहना था. तो आप लोगों को मैं फोटो डाल दूंगी, आप लोग देख लेना. और ऐसे पिंक कलर है जिसमें गोल्डन की पूरी वर्क है, देख सकते हो. गोल्डन है, येलो है एंड ग्रीन भी है. ठीक है, गोल्डन की ऐसे बूटी बूटी टाइप है, ये ऑल ओवर वर्क है ऐसे बूटी बूटी. तो ये सारे मैंने बर्थडे के इवनिंग में पहनी थी. तो देख सकते हो ये है पहली गिफ्ट. इसको साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं अगली गिफ्ट की तरफ. एक पिंक कलर की कुर्ती, ठीक है, ऑफिस में आप पहन के जा सकते हो. उस दिन मैंने सुबह इसको पहना था और इवनिंग को साड़ी पहनी थी. तो ये मेरे पास एक ब्लैक में भी है और ये मेरी मम्मी ने फिर से एक पिंक मंगवाई है. तो ये यहाँ पे पॉकेट भी है, ठीक है, और यहाँ पे पूरा बटन वर्क है, लेकिन बटन आप खोल नहीं सकते. और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी बटन वर्क है जो पहनने से बहुत ही सोबर लगता है. ठीक है, बहुत क्लासी सा लुक देता है इसको आप जब भी पहनोगे. तो देख सकते हो बहुत पतला भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं है. और ये मेरी मम्मी ने ऑर्डर किया था एम साइज में, ठीक है, एम साइज में ये ऑर्डर किया था. और ये मुझे थोड़ा सा फिटिंग्स करना पड़ा, लेकिन ऑल ओवर ये सही. थर्ड आइटम है जो मैंने पहना हुआ है, ये वाला गाउन. ठीक है, ये गाउन है पूरा लॉन्ग. तो इसका भी ट्राय ऑन पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा. यहाँ पे वी नेक है, थोड़ा सा पफी सा स्लीव्स है, आप देख सकते हो. कमर के यहाँ पे बॉर्डर है जो आपको देखने को मिल जाएगा. इसको पहनने से थोड़ा सा बीची लुक देता है, बहुत पतला है, आप देख ही सकते हो. गर्मी नहीं होगी, आप गर्मी के टाइम भी पहन सकते हो क्योंकि ये फुल लेंथ है. तो इसको पहनने के बाद आपको कोई लेगिंग्स वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है. तो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है तो आप पहन सकते हो. आप देख सकते हो मैंने आज इसको कैसे लुक के साथ कैरी किया है. बीच में जा रहे हो कहीं पे घूमने तो आप इसको आराम से पहन सकते हो. ठीक है, ये मेरे एक
पीसी ने गिफ्ट किया के साथ उन्होंने मुझे ये वाला हेयर बैंड क्यूट सा, यहाँ पे देखो बनी ईयर जैसे बना हुआ है, बहुत ही क्यूट है, ठीक है, ये उन्होंने इसी के साथ मुझे गिफ्ट किया है। तो अभी बढ़ते हैं इसकी तरफ, इसमें है बहुत सारे थे। तो पहले हम जो खाने पीने का चीज़ है उसी को कंप्लीट करते हैं। तो ये है क्या है, पोलिस का पोटैटो चिप्स प्लेन सॉल्टेड, ठीक है ये, और ये है फ्यूज। तो ये है, ये जो खाने वाने का चीज़ है सब मैंने बचा के रखा था इस वीडियो के लिए, अभी वीडियो बनेगा फिर मैं खाऊंगी इन सबको। तो इनको साइड में रखते हैं। जो है अमूल मिल्क चॉकलेट स्मूद एंड क्रीमी, ये वाला में मुझे एक पीसी ने गिफ्ट किया है, ये 2 से 3 दिन पहले मैं मिलने गई थी तो तभी उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया। तो ये भी मैंने बचा के रखा है वीडियो के लिए। तो ये रहा चॉकलेट। नेक्स्ट अब आते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर, मेरा फेवरेट पार्ट ऑर्डर किया। पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, यह है उर्बन कलर का अल्टीमेट लैश मस्कारा जो मुझे मेरी मीमी ने गिफ्ट किया है। ये उन लोगों का मोदी केयर कंपनी का है, ठीक है, उन लोगों का ही ब्रांड है उर्बन कलर, तो उसका ही ये मस्कारा है जिसमें यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 625, यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। इस अब देख लो कैसा है, ये रहा प्रोडक्ट, देख सकते हो बहुत ही क्लासी सा लुक ये प्रोवाइड करता है, बहुत ही लग्जूरियस फील देता है, ठीक है, आपके वैनिटी में अगर आप इसको रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक दिन मेकअप करने गई थी मैं उनका, तो उस टाइम उनके पास ये मस्कारा था, वो यही यूज़ करती है, तो उसको ही देख के मुझे पसंद आया था। तो मैं भी उनको बोल रही थी कि मुझे ये लेना है, मैं उनसे पूछ रही थी कि क्या है नहीं है, तो उस टाइम उन्होंने ये याद करके रखा और उसके बाद मेरे बर्थडे के दिन ये उन्होंने गिफ्ट किया। तो आपको दिखा देती हूँ, ये है इसका वॉन्ड, ठीक है, ये लैश को बहुत अच्छे से कोट करता है, आप देख सकते हो, आज मैंने इसी को अप्लाई किया है, बहुत अच्छे से वॉल्यूम प्रोवाइड कर, ये लगाते ही 2 से 3 मिनट के अंदर ये सूख जाता है और आपको कोई फॉल आउट वगैरह, कुछ सूखने के बाद जो फॉल आउट वगैरह होता है वो नहीं होगा, लैस अपने आप से चिपकता नहीं है, ये देख सकते हो, अभी मैंने अप्लाई किया और अभी कुछ भी नहीं। तो बहुत अच्छा सा मस्कारा है। तो अगर ये ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन कहीं पे मुझे इसका लिंक वगैरह मिलता है अमेजोन पे, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया मोदी केयर कंपनी का उर्बन कलर, उन लोगों का खुद ही का ब्रांड है, उसका ये मस्कारा है, ठीक है। तो ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट, मुझे पता नहीं कितना नंबर है, लेकिन ये था नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद बाकी सब में जो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया, ठीक है, तो उसको पता है कि क्या चाहिए नहीं चाहिए, फिर भी उसने खुद ही कहा कि तुम ऑर्डर कर दो, मैं पैसा दे दूँगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है यही अच्छा रहेगा, क्योंकि बेकार में फ़ोटो फ्रेम वगैरह पैसा कुछ देने से अच्छा है कि कुछ काम का चीज़ ले लेते हैं जो मुझे काम आएगा। तो इसीलिए ये सब मैंने खुद ही से ऑर्डर किया है, तो आपको बता दूँगी कि कितना क्या है, अभी नहीं बता सकती, यहाँ पर डाल दूँगी जो जो मैं दिखाऊँगी आपको, सब कुछ का डिटेल्स मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो पहले मैंने लिया है मेबलिन न्यूयॉर्क का फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन, ठीक है, ये मैंने एक शॉप से जाके पूछा था कि मेरा शेड नंबर कितना है, तो उन्होंने कहा 128, तो मैंने इसी के हिसाब से ये वाला लिया है। ये है मेबलिन न्यूयॉर्क
Fitmic Matte Plus Poreless Normal to Oily SPF 22-128 Foundation with Clay. ठीक है, ये क्ले वाला फाउंडेशन है, इसका प्राइस है 549। ठीक है, अगर ये कैप्चर करता है आपको दिख जाएगा, इसका प्राइस है 549, लेकिन मैंने इसको और 30 ml ऑफ प्रोडक्ट है, मैंने इसको कितने में परचेज किया है वो यहाँ पे मैं डाल दूंगी। मैं शेड मेबलिन फिट में न्यूयॉर्क का स्वच्छ, ठीक है, तो इसको मैं अभी यूज नहीं किया है मैंने, तो इसको यूज करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो जितना भी प्रोडक्ट है वो तक हम देख रहे हैं, तब तक देख लेते हैं कि ये ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं। ठीक है, आप देख सकते हो ये कलर शेड 128, ठीक है, मैट प्लस पोरलेस नॉर्मल टू ऑयली 128 फाउंडेशन विथ क्ले 128 वार्म न्यूड। ठीक है, इसमें SPF 22 है, तो ये UVB से आपके फेस को प्रोटेक्ट करेगा। ये है पहला प्रोडक्ट जो मैंने पर्पल से ऑर्डर किया है। जब मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया था तो तब वहाँ पे ऑफर था NY Bay में कि बाय टू गेट टू फ्री, अगर आप दो लेते हो MRP में तो आपको और दो चीज़ फ्री मिलेगा। तो उसमें ही मैंने पहला NY Bay का BB क्रीम विथ SPF 15। तो इसका शेड है वाइट पॉच 04, 25 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट है, आपको शेड नेम इसका यहाँ पे लिखा रहता है। ठीक है, पीछे आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेगा, हाउ टू यूज, मैन्युफैक्चर, प्राइस, इसका प्राइस है 220 rupees। ठीक है, ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट, इसका भी स्वच्छ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा ऑरेंज शेड है, और ये जो 128 वर्म न्यूड है मेबलिन का फाउंडेशन का, ये थोड़ा येलो टोन में है और ये थोड़ा ऑरेंजिश टोन में है। ठीक है, थोड़ा सा क्रीमी सा प्रोडक्ट है, मैंने इसको भी अभी तक यूज़ नहीं किया है। इन सबको यूज़ करने के बाद इसका जो रिव्यू है वो मैं अलग से आप लोगों को दूंगी, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें से शायद 1, 2, 3 को छोड़ के इन सब में से कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट पर्पल से, इसके बाद जो है फिर से NY Bay का प्रो प्राइमर। ठीक है, ये कलर करेक्टिंग उन लोगों का जो प्राइमर है, ऑरेंज कलर करेक्टिंग फेस प्राइमर। ठीक है, NY Bay पहले उन लोगों का 2 या 3 प्राइमर थे, एक ब्लरिन था और एक ब्राइटनिन था। ठीक है, तो और देन उन लोगों का अभी न्यू लॉन्च हुआ है ये वाला ऑरेंज कलर करेक्टिंग, और एक ग्रीन कलर करेक्टिंग वाला भी है। तो ये एकदम सिलिकॉन बेस है, और आपको इसको यूज़ करने से पहले शेक करना पड़ता है। मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ 2 से 3 बार, तो इसीलिए तो मैं यहाँ पे इसको दिखाती हूँ। तो मूजीशा टेक्सचर है, ये हल्का सा कलर करेक्ट करता है, बहुत नहीं करता है। मैं यहाँ पे इसको अब देखो चेंजेस यहाँ का और यहाँ का, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है इस जगह पे और यहाँ देख लो। ठीक है, और ये है इसका टेक्सचर, हल्का सा करेक्ट करता है ये। ठीक है, बहुत अगर आपके अंडर आई पे डार्क सर्कल वगैरह है तो बहुत डार्क सर्कल है तो ये कवर नहीं करेगा। जैसे मेरा अभी डार्क सर्कल एकदम से हट गया है, ठीक है, अभी नहीं है, तो इसलिए ये अभी काम कर जाता है। ठीक है, भाई बे कलर करेक्टिंग प्राइमर जिसका प्राइस है 249, इसका प्राइस है 249। ठीक है, ये था सेकेंड NY Bay का सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट जो है वो है इन लोगों का NY Bay का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर। ठीक है, इनका कोई आउटर पैकेजिंग नहीं था, ये ऐसे ट्यूब पैकेजिंग में आया था,
लेकिन ये है इसका आउटर पैकेजिंग और आपकी, और इसका शेड जो है मिल्क चॉकलेट प्रेटजल 2, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका शेड दिख जाएगा बॉक्स के नीचे, और इसका प्राइस है 199 rupees। तो ये है प्रोडक्ट। यहाँ पे भी इसका प्राइस वगैरह यहाँ पे लिखा रहता है। तो हम देख सकते हो ये है, और इसके बैक में आपको पूरा डिटेल्स इसका दिया रहता है कि इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पे लिखा रहता है। नेचुरल लुकिंग कवरेज ये प्रोवाइड करता है, और ये लॉन्ग वेयर है, क्रीज नहीं होता है इसमें, लाइट वेट फॉर्मूला है, और इवन स्किन टोन एंड ब्लेंस लाइक अ ड्रीम। ठीक है, तो मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन उतना अच्छे से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। एक ही बार मैंने जस्ट डैप डैप उंगली से डैप डैप करके, जल्दी में थी तो डैप डैप करके इसको यूज़ कर ली, लेकिन उतना अच्छे से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। तो अच्छे से मैं इसको यूज़ करूँगी, उसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दूँगी, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हम लोगों के पास NYB का मैट फिनिशिंग सेटिंग स्प्रे। ये भी इसका आउटर पैकेजिंग है, जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है। इसका भी प्राइस है 199 rupees। कैप्चर कर रहा है। ये है लॉन्ग लास्टिंग ऑल डे हाइड्रेशन गी स्मूथ मैट फिनिश, और कंटेन्स ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, ये मैट फिनिश है। उन लोगों का एक गोल्डन वाला आता है और एक डीवी फिनिश का आता है, ठीक है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ये मैंने यूज़ किया है, ठीक है, आप देख सकते हो, देख रहा है, मैंने इतना तक यूज़ कर लिया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना मैंने इसको यूज़ किया है। इसका मिस्ट बहुत ही फाइन है, देख रहा, बहुत ही फाइन मिस्ट है। ये फ्रेग्रेंस है इसमें, तो अगर आपको फ्रेग्रेंस से कोई इरिटेशन वगैरह है तो आप इसको नहीं लेना, क्योंकि इसमें फ्रेग्रेंस है, मैट फिनिश करता है, और लॉन्ग लास्टिंग मतलब 1 से 1.5 घंटा हो गया मैं मेकअप के बाद इसको स्प्रे करके बैठी हूँ, तो अभी तक कोई मेरे मेकअप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। तो आप चाहो तो इसको ज़रूर यूज़ करना। इसका मिस्ट बहुत ही फाइन है, बहुत अच्छे से ये अपना काम करता है। सिर्फ प्रॉब्लम इसमें यही है कि इसका फ्रेग्रेंस। यही था सेकंड प्रोडक्ट जो मुझे 199 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनमें से ज़्यादा प्राइस जिनका है वो है इसका 220 और 249। तो मुझे इन दोनों का प्राइस पे करना पड़ा, और ये फ्री था, ठीक है, बाय टू गेट टू फ्री था। अगर आप पर्पल में न्यू ऑर्डर करें तो पर्पल में भी ऐसा एक प्रोसेस है कि आप जैसे लिंक में क्लिक करके अपना लॉगिन करते हो तो आपको एक सर्वे लेना है। सर्वे लेते ही आपको वहाँ से भी एक लिपस्टिक, जैसे MyGlam का मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि MyGlam से आपको फ्री लिपस्टिक मिलता है, तो पर्पल भी आप लोगों को फ्री लिपस्टिक प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसी के लिए वहाँ पर भी मुझे ये NYB का लिक्विड लिपस्टिक फ्री में मिला। तो ये है इसका आउटर पैकेजिंग जो मुझे कार्डबोर्ड बॉक्स में रिसीव हुआ है, और ये है इनर पैकेज, ठीक है। ये सुपर पिगमेंटेड लाइटवेट फॉर्मूला, ट्रांसफर रेजिस्टेंस, क्विक ड्राइंग, लॉन्ग लास्टिंग एंड एनरिच्ड विद विटामिन ई, ठीक है, इसमें विटामिन ई भी है। इसका शेड जो है 3 इट्स वेलवेटी अंडर द ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पर आपको शेड दिख जाएगा, तो मैं इसको स्वच्छ कर देती हूँ। ये मुझे बहुत ही लाइट लगता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं सिर्फ इसको यूज नहीं करती हूँ। इसके साथ मैंने अपना जो और एक वीडियो, इसके पहले जो वीडियो डाली है, आपको यहाँ पे आई बटन में दिख जाएगा, उस वीडियो में ही मैंने जो आप लोगों को शेड दिखाया था MyGlam का, थैंक यू नेक्स्ट, उस शेड को इसमें मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है, पेयर करके दोनों को
फिर लगाते हो। तो अगर आप देखना चाहते हो कि दोनों का पेयर कैसा लगता है तो आप वो वाले वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने पूरा वीडियो इसको और उसको पेयर करके मिक्स करके लगा के ही मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप वो चेकआउट कर लेना। ये अभी ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्राइस, ओके, इसका प्राइस है 235, लेकिन ये एज अ फ्री गिफ्ट मुझे मिला है तो इसका कोई प्राइस मैंने पे नहीं किया है। मैंने और एक ऑर्डर किया है पर्पल से जो अभी रिसीव नहीं हुआ है, वो रिसीव होने के बाद आप लोगों के साथ मैं और एक हॉल शेयर करूंगी, ऑनलाइन हॉल करूँगी जैसे वो मुझे रिसीव होता है। एक सैम्पल प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था गुड वाइब्स की तरफ से, देख सकते हो। इस बार मैंने गुड वाइब्स की तरफ से कुछ मंगवाया नहीं है, लेकिन ये एज अ फ्री सैम्पल मुझे ये रिसीव हुआ है। ये है गुड वाइब्स का रोजी जो फेस सीरम है, जो इन लोगों का बेस्ट सेलर है, ठीक है। इसका एक सैचेट सैंपल मुझे इन लोगों ने भेजा है, जिसको यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। 1 ml ऑफ प्रोडक्ट है। रोजिप सीरम इज एनरिच्ड विद सीसम ऑयल, आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल और होहोबा ऑयल, विटामिन ई, ठीक है। तो ये बहुत क्यूट से पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही क्यूट है। मैंने इसका 2 बॉटल मैंने ख़त्म कर दिया, बॉटल्स मेरे पास पड़ा हुआ है, आपको एम्प्टी वीडियो जो मेरा आएगा उसमें आप लोग देख पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको भी फिनिश कर देती लेकिन अभी मेरा जो स्किन है अभी ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये समर में कॉम्बिनेशन हो जाता है और विंटर में पूरा ड्राई हो जाता है, तो मैं इसको ज़्यादातर विंटर में ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि समर में ये मेरा फेस को ऑयली बना देता है। अगर आपको सुपर ड्राई स्किन है, समर में भी ड्राई रहता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, आप इसको यूज़ करते ही आपका स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था गुड वाइब्स की तरफ से गिफ्ट। तो अभी देखते हैं ये ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा ही मैं लूँगी उसको इसके साइड में। आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ है, ये देखो, ये मैंने अभी स्वच्छ किया है तो ये ज़्यादा देर नहीं हुआ है मैंने इसको स्वच्छ किया हुआ है, तो उसी में ये इतना सा ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे भी मेरे पास मिरर है तो मुझे समझ में आ रहा है ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये मेरे नेक के अराउंड जो भी कलर है उससे ये मैच कर जाएगा, तो ये मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ये भी एक बार इन दोनों को, मतलब कंसीलर और बीबी क्रीम का भी स्वच्छ देख लेते हैं कि ये लोग भी ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए पहले बीबी क्रीम देखो, ये कितना, ये ऐसा पिंक, थोड़ा पिंकिश ऑरेंज था, ठीक है, और ये इतना ऑरेंज हो गया, देख सकते हो ये कितना ऑक्सीडाइज हुआ है। और ये है हम लोगों का कंसीलर, ये ऑक्सीडाइज होके पिंक होने लग गया है, देखो। तीनों के तीनों ने ही रंग अपना बदल लिया है, तो आप देख सकते हो तीनों ही ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इन लोगों को जब, और ये जो है ये हल्का सा ट्रांसफ़र हो रहा है, उतना भी नहीं लेकिन हल्का सा, मतलब ऐसे ज़ोर से घिसने से ये ट्रांसफ़र होगा, नहीं तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये भी मैंने आप लोगों को जो पिछले वाले वीडियो में थैंक यू नेक्स्ट वाला दिखाया था, माइग्लैम का लीड वेलवेट मैट, उसकी तरह ही टेक्स्चर है, लेकिन वो जैसे पूरा ट्रांसफ़र हो जाता था, ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो आप देख सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, सबके साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बाकी वीडियोस में इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सभी का।
और ऐसे ही आप मेरे चैनल को देखते रहो, मुझे इतना सारा प्यार देते रहो और लाइक कर देना। लाइक करने से मुझे भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है, तो थोड़ा सा लाइक कर देना और वीडियो को सबके साथ शेयर करना। और जो लोग देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो और छोटा सा बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने उसको प्रेस ही नहीं किया तो आपको बाकी वीडियो में जब जब डालूंगी आप लोगों के पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब वीडियो डालूं। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। बाय गाइस, अच्छे से रहना, जहाँ भी हो बहुत अच्छे से रहना। टेक केयर ऑफ यू गाइस, बाय।